प्रियंका भाई कहाँ जा रही हो? इतने दिन बाद मिले हो। मैं बाजार की ओर जा रही हूँ। मैं गांव गई थी, इसलिए नहीं दिख रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? क्या है, घर के काम में ना ज्यादा बिजी थी इसलिए मैं नहीं दिख रही थी। बाजार जा रही हो? हाँ चलो एक साथ बाजार चलते हैं। अरे आलू तो बहुत ताजे ताजे दिख रहे हैं और अच्छे भी हैं। कैसे किलो आलू बहन जी? 20 रुपए किलो। आधा किलो दे दो और मिलोगे मैम? कुछ नहीं, इतना का ही जरूरत है। ठीक है। ये लो मैम। मेरे को भी आधा किलो आलू दे। मेरे को इतने कम आलू क्यों दे दी हो बहन? नहीं बहन, मैंने तुम्हें उतने ही वजन का आलू दिया जितना मैंने प्रियंका बहन को दिया। मेरे को भी तो उतना ही आलू चाहिए। लेकिन छोटे आलू तो खत्म हो गए। मैं नहीं जानती कुछ भी, मेरे को उतना ही आलू चाहिए। देखो बहन, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैंने तुम्हें उतने ही वजन का आलू दिया जितना मैंने प्रियंका बहन को दिया, क्योंकि आलू की संख्या जो है बदल रही है और आलू का वजन जो है स्थिर है, इसलिए वो अचर है। और आलू की संख्या परिस्थिति के अनुसार बदल रही है, इसलिए वो चर है। जैसे दिनों में, सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, वो कभी बदलती है क्या? नहीं बदलती, इसलिए वो अचर है। और जो दिनों का तापमान है वो बदलता रहता है, इसलिए वो चर है। और तुम्हारे आलू जो है मैंने दोनों को बराबर दिए, अतः चार और अचार राशियों के संख्या से उनका घटता है उसे बीजीय अंक।